बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल इंजीनियरिंग पास आउट करते हैं, पर उनमें से बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स ही अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं, और जितने का जॉब लगता है, बिकॉज 30-40% का मैक्सिमम 50% का जॉब लगता है। अगर रिसेंट डेटा बोलें कि जो डेटा हमें बोलती है, लगभग 56-57% बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, मतलब जॉब के लायक हैं। बाकी सारे जॉब, उनके पास स्किल नहीं होता है जॉब करने के लिए। मेरा नहीं, अभी एक रिसेंट डेटा आया था और मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। खैर, उस पर हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो थर्ड ईयर कॉलेज से हैं, उनमें से अगर CSE को हटा दो, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, जॉब नहीं होता है उनके पास। अगर किसी के पास होता भी तो बहुत लो लेवल का जॉब होता है, 15-20 हज़ार का, 10 हज़ार का, 8 हज़ार पर मंथ का जॉब होता है। तो उसको देखते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं, और इवेंचुअली उनमें से सिर्फ कुछ परसेंटेज लोगों को ही सक्सेस मिलता है। रीज़न क्या है? ओनली लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। बाकी सारे क्या करते हैं, जब 25 साल होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम आता है। कुछ MTech कर लेते हैं, कुछ बाद में MBA करते हैं, कुछ अपना छोटा कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, अपना छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, कुछ डिफरेंट लाइन में चले जाते हैं, जो पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। सो बेस्ड ऑन माई लास्ट 10 ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में, मैं आपको बेस्ट एडवाइस देने वाला हूँ फ्रेश इंजीनियर के लिए। डजेंट मैटर कौन से ब्रांच से हैं, उससे मैटर ही नहीं करता, राइट? बिकॉज रिसेंट ट्रेंड जो चल रहा है उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो इस बात को, कोई CSE से BTech करा, सिंपल कॉलेज से, थर्ड ईयर कॉलेज से। थर्ड ईयर कॉलेज में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं आएगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब इनका खुद का प्रोडक्ट है, लाइक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है, और भी हैं। सो वो कंपनी थर्ड ईयर कॉलेज में तो नहीं आएगी। अमेजन भी एक प्रोडक्ट कंपनी है। हाँ, कुछ बच्चों का, मतलब 10 हज़ार में एक बच्चों का ऑफ कैंपस लग जाता है अमेजन जैसे जगह पर, वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के जरिए से एग्ज़ाम दे के, वो उसको कंसिडर करना थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट काम है फिलहाल। बिकॉज 10 हज़ार में एक बच्चा को लग रहा है, तो 1 लाख में 10 बच्चों को लगेगा, तो उसमें हम 10 लाख में अगर मान लो कितना बच्चों को, 100 बच्चों को लग रहा है, तो उसको कंसिडर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कम से कम 100 बच्चे में 60-70-80 बच्चों को सक्सेस मिले, वैसे हमें बात करना है, राइट? ठीक है, अब आते हैं जो मैं आपको बोलने वाला था बेसिकली। अब CSE का जो बच्चा है आपका, CSE से पास आउट करता है थर्ड ईयर कॉलेज से, उसका कहाँ पर जॉब लगता है? एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में। सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत सारी इंडिया में, आपको पता है, TCS है, विप्रो है, इंफोसिस है, इनमें जाते हैं बच्चे, खुश रहते हैं बहुत सारे। बट प्रॉब्लम क्या है सर्विस बेस्ड कंपनी का, उनमें ग्रोथ रेट उतना अच्छा नहीं मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी उतना अच्छा नहीं मिलता है। CTC आपको देखता है भाई 2.4 मिल रहा है छोटे कॉलेज, थोड़े छोटे कॉलेज का, थोड़े बड़े कॉलेज 3.6 मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मिलता है CTC। लेकिन CTC कॉस्ट टू कंपनी होता है, आपका इन हैंड करते करते बहुत कम पैसा आता है। अगर CTC आपका पर मंथ देखता है 35 हज़ार, इन हैंड आएगा 25-26 हज़ार, 8-10 हज़ार कट जाएगा। और अगर आप जाते हो बैंगलोर जैसे शहर में, 25 हज़ार में कुछ भी नहीं होता है दोस्त। हाँ, यहाँ पर बात बोलेंगे, सर मैं फ्रेशर हूँ, आगे मेरा ग्रोथ होगा, उसी पर बात कर रहा हूँ। ग्रोथ कितना ले लेंगे आप, 2 साल में कहाँ पहुँच जाएंगे आप? 2 साल जॉब करोगे तो आप 35-40 हज़ार हो जाएगा मैक्सिमम। 10 साल में कहाँ पहुँचोगे? 1-1.5 लाख हो जाएगा। आप सोचो 10 साल बाद क्या होगा सिचुएशन, पैसे का वैल्यू क्या होगा। मुझे उम्मीद, मुझे पता है, 10 साल पहले जो चीज़ें मुझे 5 रुपये का मिलता था, अब वो हो चुका है 15 रुपये का। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी से रूबरू होना डिमोटिवेटेड, डिमोटिवेशन नहीं होता है कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई सिगरेट पीता है, मैं उसको बताऊं सिगरेट पीने से भाई फेफड़ा खराब होता है, लंग्स खराब होते हैं, गले खराब हो सकते हैं, और भी बीमारियां आ सकता है, तो उसको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, उसको सच बता रहा हूँ। मैं कोई दारू पीता है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको बोलता दारू पिएगा तो भाई हेल्थ के लिए खराब है, तेरा लीवर खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, हथेली खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, तो मैं उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सच्चाई बता रहा हूँ, भाई ये ऐसा करोगे तो ऐसा हालत होगा 2-4 साल बाद। तो ये डिमोटिवेशन नहीं होता है, ये सच्चाई से रूबरू करना होता है। सच्चाई से भागना कभी नहीं चाहिए। सच्चाई क्या क्या करना चाहिए भाई, क्या बोलते हैं, सामना करना चाहिए, या फिर उसको जानना बहुत जरूरी है अगर हमें लाइफ में कुछ अच्छा पाना है। तो चांसेस होता है, देखो 100% कभी भी कुछ भी नहीं होता है,
चांसेस बढ़ाना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आप गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। बिकॉज बहुत सारे बोलते हैं सर आपका वीडियो देख के ना अच्छा लगता है, लेकिन डीमोटिवेट हो गया इस वीडियो को देख के। तो क्यों? तो सर आपने बता दिया छोटे कॉलेज से पढ़ेंगे अच्छा जॉब नहीं लगता। भाई सच है, क्या करूँ मैं यार, इसलिए सारे IIT में जाना चाहते हैं बिकॉज वहाँ पर जॉब अच्छा लग जाता है। खैर हम जो उसी टॉपिक पर आते हैं, मैंने एग्जाम्पल इसे दिया ताकि आप समझ पाएं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो छोटे कॉलेज से पढ़ा, अब देखो दो बच्चे मान लो, फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे ए और बी। CSE IIT को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया, CSE IIT या फिर CSE और उसके एलिट ब्रांच। एक बच्चा सर्विसेज कंपनी लेता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में चला जा रहा, राइट, एस सर्विस बेस्ड कंपनी चला गया। और एक बच्चा क्या करा, गेट करा और फिर MTech करने चला गया अच्छे कॉलेज से। दो साल में ही कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम पर मंथ कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चलो 50,000, बहुत मेहनत करा चलो डबल सैलरी हो गया, 25 में स्टार्ट करा 50 हो गया, ऐसा होता नहीं इन जनरल, राइट। यहां पर मैक्सिमम सैलरी पता है अभी कितना गया, 2.05 CR गया, लेकिन इन जनरल होता नहीं इतना। कितना होता है इन जनरल आपका, अगर आप अच्छे कॉलेज से MTech करेंगे, अभी रिक्वायरमेंट है AI का, ML का, डेटा एनालिटिक्स का, इनको प्रेफर कर रहे हैं MTech वालों को, PhD वालों को, बिकॉज में रिसर्च का काम होता है इन जनरल, ठीक है। तो एवरेज पैकेज आप अगर IIT से करते हो 20 का लग जाएगा, NIT से करते हो तो 12 से 15 का लग जाएगा, डिफरेंस कितना आ गया दो साल में देख लो दोस्त, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। और प्लस आपके पास एक डिग्री रहता है, उसका जिंदगी भर आपके पास रिज्यूम में लिखोगे कैरीड MTech फ्रॉम दिस कॉलेज। तो अब समझ में आया कुछ क्या बोलने कुछ कर रहा हूं। तो ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, ये बच्चा यहीं पर फंस के रह जाएगा और ये बच्चा चला जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, और सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा गैप आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ओनली 5 years ऑफ मैटर्स है। तो जो CSE IIT से BTech कर रहे हैं उनके लिए दिखा देना भाई, आप लोग भेज देना उनको, ये बहुत कम को पता है। बिकॉज उनको देखो, आप यहाँ पर बोलेंगे सर मुझे पढ़ने का और मन नहीं है, भाई देखो नौकरी करोगे ना, प्राइवेट में करो गवर्नमेंट में करो, आपको जिंदगी भर सीखना होगा। एग्जाम्पल देखो, जो सरकारी बैंक में काम करते हैं, पहले कंप्यूटर था क्या, सीखे ना उन्होंने, सीखना पड़ेगा। हाँ सरकारी में थोड़ा लेट सीखना पड़ता है, प्राइवेट में जल्दी सीखो जल्दी ग्रोथ मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है, सरकारी में फिक्स ग्रोथ है, प्राइवेट में कोई फिक्स नहीं है, इट्स ऑन यू, जितना ग्रोथ ले लो, पूरा खुला मार्केट है, ओपन मार्केट, समझ आ रहा है। तो एक कहानी CSE IIT का खाली नहीं है, यहां पर आपका बाकी चीज का भी है। तो मैं इसमें आपको, ये तो CSE IIT के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इससे बढ़िया ऑप्शन फिलहाल नहीं है मेरे हिसाब से। भाई MTech कर लो बड़े कॉलेज से, है ना, और जबरदस्त पैकेज लो, हाँ नॉलेज तो चाहिए भाई, अब बोलोगे मैं पढ़ूंगा नहीं पैकेज लूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, ये आपको पता है, मुझे रिपीट करने का जरूरत नहीं है, यू नो बेटर। अब मैं जो बेस्ट एडवाइस की बात करूँ, एडवाइस तो सबके लिए काम करेगा और CSE IIT के लिए जबरदस्त है, बाकी जो ब्रांचेज है उनके लिए बस्त है, भाई गेट करो MTech करो, गेट करो PSC में जाओ, मस्त है। लेकिन मैं इसमें एक अलग फॉर्मेट बताऊंगा, इस पे आते हैं। सो बेस्ट एडवाइस देने के लिए मैंने क्या कर दिया, 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को ले लिया, ध्यान सुनना, 3 कैटेगरी में ले लिया स्टूडेंट को। ये बेस्ट एडवाइस मेरे तरफ से 10 साल से मैं सारा चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद ये एडवाइस आपको दे रहा हूँ। पहला एडवाइस उन बच्चों के लिए जिन बच्चे के पास क्या है, पैसा बहुत है, मतलब घर में पैसा है, बहुत सारे हैं ऐसे, कम से कम 15% बच्चे ऐसे होंगे जिनको दाल रोटी का सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा घर में है। जब आपके घर में दाल रोटी का सोचने की जरूरत नहीं है तो ट्राई टू डू समथिंग बिग, आप कुछ बड़ा सोचो। बड़ा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पढ़ना पड़ेगा भाई बड़ा करने के लिए, MTech करो, 3 ऑप्शन बोलूंगा, एक MBA करो, और साथ में क्या करो आप एंटरप्रेन्योरशिप का ट्राई करो। ENTRE PRE एनीवेयर एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करिए आप, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचिए आप, बिकॉज ये एक्चुअली क्या आपको बहुत बड़ा चीज दिला सकते हैं, आपको भी अचीव करवाएगा और प्लस कंट्री को भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा, प्लस लोगों को आप जॉब दे पाएंगे, जॉब क्रिएटर्स आप बन सकते हैं, बिकॉज आपको दाल रोटी का सोचने की जरूरत नहीं है, पैसा इतना घर में है। तो भाई ये पढ़ाई क्यों बोला, बिकॉज पढ़ाई करने से दिमाग खुलता है,
आप एमटेक एमबीए करेंगे अच्छे कॉलेज, तो अच्छा संग साथी मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, क्लब्स होंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तो आपको आइडियाज आएंगे, दिमाग खुलेगा। जब दिमाग खुलेगा तभी तो अप्लाई करोगे ना दोस्त। अब कमरे में बंद हो तो दिमाग कहाँ से खुलेगा, नहीं खुलेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मुश्किल है खुलना, राइट। सो एमटेक करना है आपको, और क्या करना है आपको, एमबीए दोनों में से एक कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर लीजिए। मतलब ये इसलिए बोला कि अच्छे कॉलेज में जाएंगे, एमटेक गेट के थ्रू से करने की कोशिश करिए, एफर्ट पूरा डालिए, और एमबीए कैट के थ्रू से कोशिश करिए, अच्छे कॉलेज में अच्छे जगह पर सही करना होगा। बिकॉज जैसे ही अच्छे कॉलेज जाएंगे तो आपका एक ना एक एक क्या होता है, एनवायरमेंट मिलता है, बच्चे उस लेवल का मिलता है, कोई फ्री फंड का वो बच्चा का एडमिशन नहीं लेता है वहाँ पर जाके। सारे इंटेलिजेंट तो कुछ, सारे का दिमाग में कुछ होता है कुछ बड़ा करना है भाई, सारे दिमाग में नहीं होता है कब बंक करके भाई घूमने जाएंगे हर दिन, कभी कभार सब करते हैं, बट हर दिन मतलब क्या गड़बड़ है, हिसाब किताब मामला गड़बड़ है। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता है और अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए नहीं होते, मतलब उनको क्या चाहिए हर हालत में, भाई मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसे भी होते हैं मुझे पता है। मतलब एक सरकारी नौकरी, उनका फैमिली का पूरा फाइनेंशियल स्टेटस और फैमिली का जो मतलब थिंकिंग लेवल है, मतलब बोल सकते थिंकिंग लेवल तो नहीं बोलूंगा, फैमिली का कंडीशन इंप्रूव कर सकता है। उस केस में देखो भाई, उस केस में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मतलब एज ए स्टूडेंट एक केस स्टडी बताऊंगा इसमें, बिकॉज बहुत सारे होते हैं भाई हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, लड़की हो लड़का हो, राइट, ध्यान सुनना। सरकारी नौकरी उनके लिए है जो जिंदगी भर एक फिक्स सैलरी लेना चाहते हैं, भाई मेरे को फिक्स सैलरी है, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को कोई अंबानी की सोच नहीं है, मेरे को बड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, बस नॉर्मल घर चाहिए। बड़ा गाड़ी बड़ा घर हो नहीं सकता सरकारी नौकरी से, एक्सेप्ट फ्यू जॉब्स, वो बहुत कम है, उसको कंसिडर नहीं करता मैं। अब 50,000 पर मंथ सैलरी से आप बड़ा गाड़ी खरीद नहीं सकते हो, बड़ा गाड़ी मतलब क्या भाई, बात कर रहा हूँ 50-60 लाख का गाड़ी, वो पॉसिबल नहीं है। घर भी खरीदना मुश्किल है, बिकॉज एक घर अच्छा घर 3 BHK का, अगर फ्लैट भी लो, घर छोड़ो फ्लैट लोगे अच्छे शहर में 80-90 लाख का है, तो सरकारी नौकरी से लेना बड़ा मुश्किल, मतलब लास्ट में शायद रिटायरमेंट में मिल जाए, बट इनिशियली बड़ा मुश्किल काम है, राइट। तो लेकिन अब मान लो आपको चाहिए सरकारी नौकरी ही चाहिए, मेरे को फिक्स इनकम चाहिए भैया, और घुस तो आप ले नहीं पाओगे, लोग तो पकड़े जाओगे, बहुत कैमरा आ चुका है, तो उसके वो सोच के जाना मत। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बोलते हैं सर ऊपर के इनकम, भाई ऊपर के इनकम जैसा है ना, बता देता हूँ, तो दो चीज बताऊंगा, ध्यान सुनना। ये आपको सारे बताते हैं सरकारी नौकरी में क्या होता है, हम निकाल नहीं सकते। पता है अभी रिसेंट कितने UPSC लोगों को निकाला गया सरकारी नौकरी से, टर्मिनेट कर दिया गया, एक बार सर्च करना नेट पर कितने UPSC लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है जॉब से, अभी रिसेंटली हुआ है, पहले होता नहीं था, अब हो रहा है, अब आगे मेरे को लगता है इंक्रीज होगा। जो इनएफिशियंट हैं, बार बार उनको पर्ची मिलता है भाई आपका काम अच्छा नहीं है, कौन अच्छा नहीं, उनको टर्मिनेट कर दिया है, राइट। मैं आपको डरा गया, डरा नहीं रहा हूं, जो है हुआ है वो आपको बता रहा हूं, यूपीएससी भाई समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैंने। हालांकि मैं आपको बताऊं एक कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, बट हो रहा है अब, राइट, अच्छी बात भी है, बिकॉज इससे क्या होगा, लोग काम करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, और टाइम पास जो कर रहे हैं इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। जरा सोचो, आप गए हो काम करवाने के लिए दफ्तर में, और वहां पर बंदा क्या कर रहा है, पान खा रहा है, और आप लाइन लगा पड़ा 200 बंदों का, तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर मेरे थोड़ा ना, मैं जाता ही भाई, कोई ना कोई तो जा रहा है, उसका नुकसान तो हो ही रहा है, समझ रहे हो। चलो यहाँ पर आ जाइए, तो मान लो बहुत सारे का होता है कि मेरे को सरकार, मेरे को सरकारी नौकरी करना है, बाकी सब छोड़ो। खासकर गर्ल्स जो होते हैं बहुत सारे बोलते हैं सर हमें सब बिजनेस नहीं कर सकते, हम इतना सोचना नहीं, बस सरकारी नौकरी मिल जाए अपना, बस थोड़ा फिक्स इनकम आ जाए, बढ़िया इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सही है। तो ऐसा केस अगर है, फ्लेक्सिबल हो जाओ, 5 साल लगेगा, स्टार्ट करो गेट से, अगर गेट करो उसके बाद आपका बाकी जो एंट्रेंस है सारी, 2 एग्जामिनेशन सिलेबस देखो, देखो कौन सा निकाल सकते हो, 5 साल में निकल जाएगा, बट थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब डेली आपको पढ़ना पड़ेगा 5 से 7 घंटा इफेक्टिवली सेल्फ स्टडी, फिर 5 साल में कोई ना कोई जॉब निकल जाएगा, बस आपको फॉर्म भरते रहना है, पेपर देते रहना है, डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है, सेल्फ मोटिवेशन रहना है, और करते रहना, कभी कभी लग जाएगा। बहुत सारे का लगा है, मैं देखा हूँ ऐसे, मतलब कोई गेट करा, गेट हुआ नहीं, तो भाई स्टेट लेवल का एग्जाम दिया, क्लर्क के एग्जाम दिया, SSC CHSL भी दिए, SSC MTS भी दिए, स्टेट PSC दिए, तो कहीं ना कहीं हो गया। बहुत सारे का हुआ है ऐसा, देखा मैंने मेरे स्टूडेंट जो 2015 में 2013 में 2012 में स्टार्ट करते, 2012 नहीं 2012 वाला तो उनका लग चुका है पहले भी, 2015 वाले जो स्टार्ट करते, अभी रिसेंटली जॉब लग रहा है उनका बहुत सारे का, ठीक है।
तो एक केस स्टडी आपको बता दिया कैसे जॉब लगता है और कैसे किसका चाहिए। अच्छा, और एक बच्चा क्या होता है, सर मेरे को ना जॉब, अच्छा जॉब चाहिए, आई वांट ओनली जॉब, मुझे जॉब चाहिए जी, बट गुड जॉब, मतलब जिसका स्टार्टिंग सैलरी गुड जॉब इंडिया में फिलहाल एज ए फ्रेशर कितना बोलूंगा 12 लाख पर एनम, एक गुड जॉब है फिलहाल इंडिया में एज ए फ्रेशर, CTC 12 लाख है, मतलब इन हैंड आपका 80,000 के आसपास आ जाएगा, 80,000 पर मंथ इज नॉट बैड इन इंडिया एज ऑफ नाउ, गुड जॉब बोला जाएगा फिलहाल के हिसाब से, बिकॉज आप बैचलर होंगे और बैचलर अभी तो एकदम से 2 मिनट में शादी नहीं करेंगे, आप 2-4 साल रहेंगे तो आराम से आप पैसे थोड़ा जमा कर सकते हो, मतलब आप 3 साल में कम से कम आप जमा कर लेंगे 15-20 लाख जमा कर लोगे तो ठीक है, ठीक है, और ग्रोथ भी आएगा थोड़ा सा आगे जाके। सो जो गुड जॉब कैसे मिलेगा उसके लिए मैं आपको आपको ऑप्शन बता देता हूँ, 2 चीज़ें हैं ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, CSE IT का बेस्ट ऑप्शन यही है, सारे इंजीनियर के लिए अगर मॉडरेट वाला बोलोगे सर आउट ऑफ 100 80% वाला ऑप्शन बताओ जो 80% में बढ़िया सक्सेस दिला सकता है 80%, तो है कैट, उसके बाद MBA अच्छे कॉलेज से, MBA में सिर्फ IIM अच्छे कॉलेज नहीं है, IIT भी अच्छे कॉलेज हैं, NITs भी अच्छे कॉलेज हैं, अब IIT क्यों बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस है, IIM से पढ़ते हो अच्छा बैगेज मिलता है, अच्छा नाम है, 25 लाख लगभग लगेगा फिलहाल, 25-30 लाख लगेंगे, सब IIM का अलग है, टॉप IIM की बता रहा हूँ, कहीं 15 लाख में भी हो जाएगा 2 साल का, IIT से करते हो तो 10-12 लाख फिलहाल देखा मैंने जो टॉप IITs है, NIT से करोगे 8 लाख लगेगा, ये फीस है, जितना फीस उतना लगभग पैकेज का डिफरेंस आता है, ये भी देखा मैंने, मतलब 25 लाख से कर रहे हो लगभग 25 लाख का एवरेज पैकेज है, 12 लाख कर रहे हो 15-16 लाख का, 10 लाख का, 12-13 लाख का एवरेज पैकेज है, 8 लाख कर रहे हो 8-10 लाख का एवरेज पैकेज है, NITs में टॉप NIT से कर सकते हैं, टॉप IIT से कर सकते हैं और IIM से कर सकते हैं, ये अच्छा है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना प्लेसमेंट जहां अच्छा है वहां पर एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज ये क्या हो गया भाई, तो आप वो कर सकते हैं राइट, तो ये चीज़ें MBA बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन वही कॉलेज और मैटर करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपका यहाँ पर CSE IT का बेस्ट ऑप्शन ही है, बिकॉज ये फिलहाल बहुत हॉट है, बिकॉज आगे जो मार्केट है CSE IT का वो है AI का, मतलब मार्केट जो बूम जो है वो तो रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है हर दिन हर साल होगा, बट इन जनरल जो है लगभग रहेगा, मेरे हिसाब से कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, बट AI का, ML का और डेटा एनालिटिक्स का, इनका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होने वाला इन फ्यूचर, और इनका ग्रोथ को ग्रोथ से फ़ायदा कौन बंदों को मिलेगा जॉब करेंगे जो, वो MTech जो होंगे, बिकॉज ये प्रेफर कर रहे हैं MTech वालों को फिलहाल, MTech PhD वालों को, बिकॉज थोड़ा सा काम है स्टेटिस्टिक्स का, जो BTech वाले को मिलता तो है बट आगे मुझे लगता है नहीं मिलेगा राइट, मतलब चांस थोड़ा कम है, ठीक है। ये था पूरा कहानी, और यहाँ पर देखो एक बात तो बता देता हूँ मैं, जो मैंने आपको बताया ब्रॉड बताया है, बहुत पिन पॉइंट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं गया हूँ मैं, डेप्थ जाऊँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, पहला अपने बारे में स्टडी करो कि भाई आप कैसे हो, क्या आपको चाहिए, अपना बैकग्राउंड दो क्या चाहिए आपको, बहुत टाइम क्या होता है पैसा नहीं है तब भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मतलब बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है तब भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बहुत सारे बनते हैं, जितना अभी एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं बहुत बड़े अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, लगभग सारे मिडिल क्लास थे लगभग, और कितने बिलियन डॉलर से कंपनीज खड़ा करें, इंडिया में अभी 3rd largest यूनिकॉर्न है, रिसेंटली हम UK को पीछे कर दिए, US, चाइना और इंडिया, इनके पास मतलब 3rd position पर हम अभी हैं, इंडिया वाले हैं अभी, आई थिंक 70+ यूनिकॉर्न बन चुका है इंडिया में, सो UK से ज़्यादा, तो दैट इज़ द साइन कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम बहुत चेंज हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप गेम चेंजर है टू बी ऑनेस्ट, आपका फ्यूचर तो बदलेगा ही बदलेगा, आप पूरा पूरा मतलब कंट्री का इमेज चेंज कर सकते हो, बिकॉज जॉब से इमेज चेंज नहीं होता है कंट्री का, बिजनेस से ही होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बिजनेस राइट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, यूट्यूब है, कैमरा है, ये बोर्ड है, लाइट है, सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, बिजनेस जहाँ पर जितना लोग बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होंगे उस जगह का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा, ट्रेड की वजह से ग्रोथ होता है, समझ रहे हो, को भी हमारे हमारे कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, क्या सारे स्टेट्स का स्टेटस सेम है, नहीं है, क्यों, बिकॉज जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस होता है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा स्टेटस होता है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर IT हब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो नोएडा में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, इनमें देखो कितना अच्छा ग्रोथ है,
जहाँ पर मैकेनिक कंपनीज हैं वहाँ पर तो कितना अच्छा ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल गुड़गांव, मानेसर, बद्दी हिमाचल प्रदेश, और पुणे देख लो आप, गुजरात देख लो, गुजरात में तो पूरा बहुत सारे कंपनीज हैं। आईटी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत कंपनीज हैं, राइट? बिकॉज मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट वहाँ जॉब करते हैं इन जगह पर, लगभग सारी जगह पर। तो ये चीज़ों का आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट? और एक बात, एडवाइसेस उससे लो जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले का था, उससे ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब जो जुड़ा हुआ है रिसेंट ट्रेंड के साथ, उससे आप एडवाइसेस लो। उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर एडवाइस मिलेगा क्या करने से क्या हो सकता है। समझ रहे हो, कहानी समझ में आ गया? इतना ही था वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।